धांधली को लेकर छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 563 छात्रों को ग्रेस मार्क रद्द किया गया। काफी छात्रों का दोबारा एग्जाम देना होगा एससी में। एनटीए ने यह जानकारी दी। 23 जून को री एग्जाम होगा। तो बता दें कि नीट धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने यह जानकारी दी। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। साथ ही केवल उन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित होगी, सुप्रीम कोर्ट ने में जानकारी दी गई। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी तरह की नीट की परीक्षा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा से जीते हुए आए मेरे मित्र डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी तीसरी पारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक तेजी से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो उन्होंने मैंडेट हमको मिला है, उसके लिए उन्होंने नई टीम बनाई है। हम तीनों मिलके एनईपी 2020 को भारत की विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो एनईपी के सारे फीचर है, जो पिछले 4 साल से उसकी बहुत नीचे तक जाने की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बन चुकी है, स्टार्टिंग फ्रॉम बाल वाटिका टू रिसर्च फाउंडेशन, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए स्किल को फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट बनाना, रूटेड और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन बनाना। आज भारत विश्व मित्र की कल्पना कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कर रहा है। भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले 25 साल तक रहेगा, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए, ग्लोबल नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमारी स्टूडेंट्स एंड यूथ फोर्स को कैसे तैयार किया जाए, ये स्कूल हायर एजुकेशन एंड स्किल डिपार्टमेंट से ही होगा। सुनवाई हुई हमारी, हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपियर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में, मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 times इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे, से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। पेपर लीक ऑब्वियसली बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी, और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट निल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनटीए बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है,
और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी,